जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर गेस्ट आई हुई हैं समरा। काफ़ी अर्से के बाद आई हैं, तो आज हमने इनको पकड़ लिया। अब हम इनके बैग जो है वो मुझे इनका अच्छा भी बहुत लगा देखने में, और मैं ही वैसे भी देखना चाह रही हूँ कि बैग के अंदर क्या है। तो अब हम समरा से पूछते हैं कि ये बैग आपने लिया कहाँ से है समरा? ये मैंने लिबर्टी से लिया था और ये मुझे बहुत पसंद आया था इसका कलर, क्योंकि कैजुअल सा है, छोटा, इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए भी मैंने इसको ख़रीद लिया। मुझे अच्छा, आपको भी पसंद आया हाँ जी, ये मुझे बहुत से बहुत लोगों को पसंद आया था। अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद आया ये। अच्छा, तो अब आप शराफत से हमें बता दें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपने कुछ छुपाया तो हम खुद भी बहुत बदतमीज़ है, हम खुद भी देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। चलिए मैंने देखिए, इसमें छुपाने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर मेरा मोबाइल है, जी जी दिखाएं आप। और ये मेरा मोबाइल है जी अच्छा, ये मोबाइल है आपका? जी, हल्का सा ही है, कोई महंगा नहीं। अच्छा, और ये ये सेकंड पे ये आपका मेरा वॉलेट है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉलेट, सही। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इसके इसके अंदर अंदर क्या है? मेरे पैसे और मेरा आईडी अच्छा, कार्ड चलिए है। अब हम ये तो नहीं पूछेंगे, इतने भी शर्म नहीं है कि इसके अंदर कितने पैसे हैं, ये थोड़ी सी पर्सनल चीज़ है। और दिखाएं क्या है? और मेरा मास्क है, हाँ, ये देखें, ये है कोरोना वायरस की वजह से, ये जो कॉन्शियस लोग हैं इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, हर जगह मास्क मैं हर लेके। जगह पे अपना मास्क साथ लेके जाती हूँ। जी जी वेरी गुड। ओके, और उसके बाद मेरे मोबाइल, ओ, हैंड सैनिटाइजर, जब से कोरोना आया, मैं सैनिटाइजर हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। गुड, सही। ये बहुत अच्छा है, इसका स्टैंडर्ड साइज़ है, पॉकेट में भी रखा जा सकता है, और बिल्कुल, वैसे भी अपनी एहतियात के लिए बहुत अच्छा है। सबको मेरा ख्याल है अपने पास रखना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ। और भी जी, बहुत और कुछ है, कितना मज़ा आता है ना किसी के देखने को बैग के अंदर क्या क्या है। ये ओह, ये तो अब ब्यूटी पार्लर लड़कियों की फेवरेट चीज़ें। अच्छा जी, वैसे ये लिपस्टिक वगैरह, ऐसे की स्पंज, छोटी और छोटी ये क्या चीजें। है? आई थिंक ये कैलिस्ट्रा कंपनी का जो है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, ओके और मैं लिपस्टिक वगैरह रखती हूँ। ये कलर मेरा बहुत ओके okay. फेवरेट है और ये फैशन में भी है। वाह, ये कहाँ से लिया था आपने? ये मैंने मेट्रो से लिया था, ओके, ये वाकई बहुत अच्छा है। ये मुझे बहुत पसंद है कलर। अमेजिंग। उसके बाद एक और लिपस्टिक है, पिंक कलर। पिंक कलर भी मेरा फेवरेट है, कैजुअल सा वाह, ये कलर है, देखने में इतना ही अच्छा लग रहा है। कैजुअल सा इंसान कहीं भी लगा लेता है। बिल्कुल, हाँ, ये लाइट से कलर लिपस्टिक्स के मैं बहुत लाइक करती हूँ, यकीनन मैं भी इसको बाय कर लूँगी। आई कौन से ब्रांड है? कलर कॉस्मेटिक्स, 3 नंबर है। आपकी और कलेक्शन तो ये, बहुत हाँ अच्छी है समरा। जी वो तो है। ओके, और ये हुदा ये का हुदा है, हुदा का है, रेड कलर। जी तो योर समरा सब कुछ ये इस तरह की ये चीज़ें आपने, मैं रेड कलर भी कितना अच्छा, अमेजिंग रेड कलर है। हाँ जी। उसके बाद ये काजल है, हाँ ये काजल है, जी, ये काजल है समरा का। खैर, मैं तो काजल लगाती नहीं क्योंकि मेरी आईज पहले ही ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया, तो मेरी आईज में नहीं चाहती कि गाय की लुक दें, इसलिए मैं काजल लगाना पसंद नहीं करती। जी तो नेक्स्ट। मुझे काजल पसंद है और मस्कारा माय फेवरेट, मैं मस्कारा में अच्छा, बहुत लाइक करती हूँ। ओके, यार्डले का मस्कारा है, वेरी गुड समझा, आप तो पूरी ब्रांडेड निकली। और बस, नहीं और भी हैं, और ये क्रीम है, ओह वाह, ये क्रीम, ये क्या नाइट क्रीम है? हाँ जी, ये मैं वैसे भी लगा सही, लेती दिन के टाइम ग्लूटामैक्स की, भी। ये मेडिकेटेड है, मैंने इसका बहुत नाम सुन रखा है, ग्लूटामैक्स की है ये। अच्छी क्रीम है ओके, ये, अच्छी है, आई थिंक आपने यूज़ भी की हुई है। हाँ जी। सही, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये तो। ये मैं मिरर रखती हूँ छोटा सा हमेशा अपने बैग में, ये मिरर, बिल्कुल, आपने इतना सारा मेकअप का सामान रखा हुआ है तो आप मिरर भी तो रखेंगी ना। वो तो मिरर तो ओके, जरूरी है, मिरर के बगैर तो मेकअप ना। ये सब चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग है ना देखने में। ये मैंने परफ्यूम भी रखा हुआ था। ओके, ये परफ्यूम जबरदस्त,
बिल्कुल कितना छोटा सा इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। वेरी वेल। ये क्या है जो आप छुपा रही हैं समरा? ये आप ना देखें, ये आपके काम की चीज नहीं है। दिखा दे अब आप मुझे। नहीं जो पहने नहीं, नहीं प्लीज दिखा दे समरा। नहीं शर्मिंदगी है। नहीं शर्मिंदगी कौन सी बात है, क्या कोई गैस की कमी? नहीं नहीं ये गैस की नहीं है। प्लीज समरा दिखा दे, अब आप इसको छुपा के देखें। ये क्या, ये तो आई थिंक मेडिसिन है तो आप छुपा के रही थी। अच्छा ये है 70 शिफाएं इसका नाम है व्यूअर्स, और ये समरा ने बहुत सीक्रेटली हम लोगों से कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ था इसको छुपा के, अब क्री किया है तो बहुत अच्छी चीज़ है देखने से, बहुत लग रहा अच्छी है। चीज़ है ये तो। हाँ ये देखें, ये बदहजमी, फूड एलर्जी, गैस, सर दर्द, यानी कि इसके अंदर आई थिंक ये आप अपने हमेशा अपने साथ रखती हैं इसको, ये कहीं भी जरूरत पड़ जाती है। सही, तो क्या इसको खाने से आपको फौरन हो जाता है? फौरन सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दर्द वगैरह कहीं भी हो रही हो, अरे बाजार चलते चलते पहुंच जाते हैं। यानी ये तो मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा फिर मुफीद होगा, उनके लिए भी, आप भी ये अपकरी वालों का जो है ये आप भी ले सकते हैं। 70 शिफाएं इसका नाम है, और उन्होंने कहा हुआ है गैस, बदहजमी, फूड एलर्जी, गैस, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, पेशाब की जलन में नहायत मुफीद है, और निगाह को तेज करने का। तो आखिरी हलान जी, जिनके एसिड वीक है उसका मोस्ट के लिए तो आइस के लिए बहुत अच्छी है ये, गुड। ये तो वैसे समरा आपको सबको दिखानी चाहिए थी, आप तो छुपा रही हैं इसको। वेरी वेल, बिल्कुल। और देखिए कितना छोटा सा है, इसको दिन में कितनी बार खाती हैं समरा आप? मैं दो टाइम खा लेती हूँ सुबह शाम से, लेकिन उसके ऊपर तो 5 टाइम लिखा हुआ है। मैं मुझे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए मैं फिर भी वैसे ही खा लेती हूँ। सही, गुड गुड, ओके जी, ठीक है, होना चाहिए अपने साथ। और ये मैं ब्रश रखती हूँ अपने साथ हमेशा। ठीक है जी, हाँ ये तो आई थिंक सबके बैग में होना चाहिए, जब आप दूर का कहीं ट्रैवल करते हैं तो किसी के घर जाते हैं तो अपना ब्रश जो है वो आप उसको बहुत मिस करते हैं वहाँ जाकर। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं अपना ब्रश अपने ठीक साथ। ठीक है जी, ये आपका ब्रश है। और ये ब्रश है। ओके जी, ये आपका ब्लशर लगाने के लिए भी, इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट है जी। ये मेरा हेयर सीरम है। समरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस है तो इसलिए ये अपने बैग में आता, मुझे यही उम्मीद थी कि इनके बैग से यही कुछ निकलेगा। और ये इनका अच्छा जी, ये हेयर एडवांस सीरम है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें से इन्होंने यूज़ भी किया हुआ है ये बालों की ग्रोथ के लिए। अब मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वही बैग में रखूंगी ना। क्यों नहीं, ऐसे ही है। मुझे लंबे नेल्स बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे जहाँ कहीं भी मेरे फील होते हैं कि नाखून बड़े हुए हैं मैं फौरन अपने बैग में नेल कटर जरूर रखती हूँ, देखने मेरे नेल्स नहीं है। हाँ जी सही, ये नेल कटर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखें नेल्स तो ऐसे भी रखना नहीं चाहिए कि ये सुन्नत के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए नेल्स काट के रखने चाहिए वो कि अगर देखें आजकल बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने भी नेल्स रखे होते हैं तो नेल्स रखना कोई अच्छी बात नहीं है, क्या फ़ायदा फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान में क्या फर्क, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। वेरी गुड, मुझे सब चीज़ें बहुत इंप्रेस कर रही हैं आपकी, छोटा सा बैग में इतना कुछ, छोटी पैकिंग बड़ा धमाका। ये मैं भी बैग ग्रीन टी हमेशा अपने बैग में रखती हूं। ग्रीन टी जब कहीं किसी के घर आते जाते हैं कुछ खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ज्यादा खा गया तो आप वैसे भी डाइट कॉन्शियस हैं, बिल्कुल आप तो फिर भी बिल्कुल, मैं हमेशा डाइट को तो ज़हन में रख के खाती हूं, बिल्कुल फिर भी मैं खा लेती हूं कि मेरी वेट ना बढ़ जाए। ओके नेक्स्ट, और जो समरा मजीद दिखाए अब आपके बैग में क्या है? अब मेरा बैग तो तकरीबन बैग तो मेरा तकरीबन खाली हो गया है, इसमें अब सिर्फ एक कैचर है। अच्छा, और हाँ ये भी बहुत अच्छा है कि कहीं टूट जाए आपका पुराना वाला तो आप फौरन से ये लगा सकती हैं। और ये बबल्स वगैरह होती हैं फ्रेशनेस के लिए, बस ये नोज़गिया वगैरह जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, व्यूअर्स जिनका दिल खराब होता है तो वो ये चीज़ लगा के खा के अपना जो है ना वो जी। तो व्यूअर्स ये सब चीज़ें हैं जो कि समरा के बैग से निकली हैं और बहुत अच्छा लगा, आप देख लेते हैं और तो कुछ नहीं रह गया जो समरा ने हमसे छुपा लिया हो। नहीं मैंने सब कुछ दिखाया करा, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। ये तो आई थिंक कार्ड्स हैं आपकी शॉपिंग के, वैसे भी ATM और क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये एक और पैकेट है जी। तो ये सारा बैग समरा ने बहुत ही शराफत से बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा को पूरा खाली करके दिखा दिया, तो बहुत मज़ा आया समरा की सारी चीज़ें देखने का के क्या क्या वो अपने साथ कैरी करती हैं, क्या क्या कैरी करती हैं वो अपने साथ। तो जी व्यूअर्स आप हमारे साथ रहेगा, इसी तरह की कुछ और मज़े की वीडियोस और रेसिपीज हम अपलोड करते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।